हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शोभा विहार में शिवांजलि से। मेरे चैनल में आप सभी के स्वागत। मेरे चैनल का नाम है शोभा की रसोई। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने किचन में। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ आप सभी को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं बनाऊँगी सेमरहरी की रेसिपी लेकर आई हूँ अपने किचन में, तो आप सभी से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्केट से मंगाए हैं सेमरहरी। ये बहुत बढ़िया है, ये ताज़ा है, तो इसे हम अच्छे से तोड़ करके इसी तरह तोड़ लेंगे और इसे धो करके अच्छे से इसे तैयारी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने किचन में इस रेसिपी के बनाने के लिए। तो हमारे वीडियो को आप लोग पूरे एंड तक देखते रहिएगा, हमारे चैनल पर आप लोग बना रहिएगा ताकि आप लोगों के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकूं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना, चलते हैं अपने किचन में। तो देखिए दोस्तों, हमने सेमरहरी को अच्छे से तोड़ लिए हैं, तोड़ करके रख लिए हैं। अब इसे हम चलते हैं अपने किचन में, तो शुरू करते हैं ये सेमरहरी की रेसिपी बनाने के लिए। तो हमारे वीडियो को आप लोग पूरे अंत तक देखते रहिए, हमारे चैनल पर बना रहिए ताकि अपने सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे रेसिपी बनाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले अपने गैस को ऑन कर लिए हैं, इस पर रख देते हैं कढ़ाई। देखिए, हमने कढ़ाई में पानी रख लिए हैं और इसे हम सेमरहरी को हम इसे उबाल लेंगे ताकि अच्छे से ही सॉफ्ट हो जाए। तो हम इसे 5 से 6 मिनट तक इसे उबाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो देखते रहिएगा, हम बहुत आसान तरीके से बनाते हैं और आप सभी को सिखाते हैं और बताते हैं। देखिए, बहुत इजी तरीके से हम बनाते हैं, कोई झंझट नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा सामग्री नहीं है लगता है। तो चलिए हम इसको उबाल लेते हैं, ढक देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 4 से 5 मिनट तक उबाल लिए। देखिए कितना सुंदर ये हमारा ये सेमरहरी जो है जो सॉफ्ट हो गया है। देखिए, हम दिखा रही हूँ, देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं थाली में, इसको निकाल करके फिर से हम कढ़ाई को रख लेते हैं गैस पर। दोस्तों, हमने फिर से कढ़ाई को साफ करके रख लिए हैं गैस पर। इसमें डाल दिए हैं सरसों तेल, तो तेल हमारा गर्म हो रहा है। इसमें हम डाल देते हैं पीला वाला राई लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं। यहाँ पे 2 पत्ता लिए, इसको भी डाल देते हैं। 2 लाल मिर्च लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं। कभी पत्ता लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं। यहाँ पर 1 छोटी इलायची और खड़ा जीरा लिए हैं, इसको भी डाल देते हैं। फोरन में थोड़ी सी प्याज को डाल देते हैं, फोरन में बताते हैं हर वीडियो में कि जब भी अपनी कोई भी रेसिपी बनाइएगा तो फोरन में प्याज को डालिएगा। इसे हमारा फोरन चिपक गया है, उसमें हम प्याज को डाल लेते हैं। प्याज को गोल्डन करके गोल्डन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा प्याज थोड़ा गोल्डन हो गया है, देखिए पास में दिखा रही हूँ, इसमें हम डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आलू काट कर रखे हैं लंबे लंबे पीस में। यहाँ पे हमने टमाटर को काट कर रखे हैं, इस प्याज इस पर टमाटर और आलू को इसमें डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आलू को 2 मिनट तक भून लिए। देखिए आलू फिर हमारा आलू का फ्रेन हो गया है, देखिए पास में दिखा रहे हैं। इसमें हम डाल लेते हैं जो हमने सेमरहरी को उबाल कर रखे हैं, इसको भी डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने ये स्वाद अनुसार नमक लिया है, इसको भी डाल लेते हैं। लहसुन अदरक को कूट कर रखे हैं, डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसे हम ढक लेते हैं और इसे हम 5 से 10 मिनट तक आराम से भूनेंगे। देखिए दोस्तों,
ये हमारा सब्जी भुना गया है अच्छे से, हमने भून लिया है सिंदहरी और आलू को अच्छे से, ये सब हो गया है। तो यहाँ पर हमने मसाले को निकाल लिए हैं, सभी मसाले को प्लेट में। यहाँ पे हल्दी पाउडर लिए हैं, जीरा पाउडर लिए हैं, धनिया पाउडर लिए हैं, हमने कस्तूरी लाल मिर्च लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, यहाँ पर कस्तूरी मेथी लिए हैं हमने, यहाँ पे काला नमक थोड़ी सी लिए हैं, यहाँ पे एक चुटकी हींग लिए हैं, यहाँ पे हमने गरम मसाला लिए हैं, हींग हमने डाले हैं इसलिए हींग से थोड़ा इसका टेस्ट बढ़ जाता है, तो इसलिए हम डाले हैं सभी मसाले को इसमें हम डाल लेते हैं। अब इसे हम धीमे धीमे आँच पे हमने छोटे मसाले को भूनना है, 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी पानी डालकर के भूनेंगे, तो हमारा रेसिपी बहुत अच्छा बन करके आएगा, क्योंकि कितना सुंदर खुशबू आने वाला है। तो हम आँच को धीमी कर देते हैं गैस के लिए। देखिए दोस्तों, हमने ये अपने रेसिपी को अच्छे से भून लिए हैं, देखिए कितना सुंदर पास से दिखा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर भुना गया है, एकदम ब्राउन हो गया है, बहुत बढ़िया है, भुने भुने हैं। तो इसमें हम पानी डालेंगे, ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है, ग्रेवी नहीं करना है, हल्की सी पानी इसमें रहेंगे, तो इसे हम पानी डाल करके 2 मिनट के बाद उतार लेते हैं। देखिए कितना सुंदर ये हमारा ये सिंगरवी का रेसिपी बनकर तैयार हुआ है, बहुत आसानी तरीके से हम बनाते हैं और इजी सामान से बनाते हैं, तो आप लोग को बताते हैं बहुत आसान तरीका से, सरल तरीका से हम बनाते हैं और आप लोग को भी बताते हैं। तो हमारे वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा, हमारे चैनल को बना रहिएगा, ताकि आप लोग को सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकूँ। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम थोड़ी सी पानी डाल लेते हैं, ज़्यादा इसमें पानी हम नहीं डालना है, तो आप इसे रोटी चावल पराठे के साथ खाइएगा, पूरी के साथ खाइएगा, बहुत टेस्टी ये हमने बनाया है, देखिए पास से दिखा रही हूँ। तो इसे हम 2 मिनट के बाद हम इसे उतार लेंगे गैस पर से और खाने के लिए परोस लेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, ये हमारा रेसिपी बनकर रेडी हो गया है। देखिए हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए, गढ़ी सी ग्रेवी हमें चाहिए, रोटी चावल पराठे के साथ खाने में मजा आएगा। तो देखिए हम इसे उतार लेते हैं, गैस को ऑफ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा रेसिपी बनकर तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लिए हैं, देखिए कितना सुंदर हमने बनाए हैं, बहुत टेस्टी हमने बनाए हैं, गोरी की सब्जी, सिमरहरी की सब्जी हमने बनाए हैं, बहुत टेस्टी। तो हमारे वीडियो को आप लोग पूरे अंत तक देखते रहिएगा, हमारे चैनल पर बना रहिएगा, ताकि आप लोगों का सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकूँ। हमारे वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिएगा, हमारे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें। हमारे वीडियो को आप लोगों को देखने के लिए दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।